बढ़िया छात्रों गीता नदी परिवार में आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है वकीला पायल और छात्रों आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो टॉपिक है हिंदी का व्याकरण, जिसका व्याकरण में तो ऐसे कई सारे व्याकरण के अलग अलग टॉपिक है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है संज्ञा, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो छात्रों हमने अगले क्लास में जो पढ़ा था उसके जो स्वाध्याय है, जो आपको अपनी एक अलग अलग सभी विषयों की अलग एक बुक बनानी है और उनमें जो जो स्वाध्याय हमने पूर्ण किए हैं उन सभी स्वाध्यायों की जो प्रश्न है स्वाध्याय के उनके प्रश्न और उसके उत्तर एक नोटबुक में लिखने होंगे, जो मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप नोटबुक में ऐसे सभी जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है जो हमने आगे की क्लास में चलाए हैं उन सभी के प्रश्न आपको लिखने हैं और उत्तर भी साथ साथ लिखने हैं। तो छात्रों अब हम जो संज्ञा है व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक संज्ञा, जिसके बारे में हम चर्चा करनी है। तो मेरे यहाँ पर कई सारे ऐसे वाक्य लिखे हैं, तो यह वाक्य हमें पढ़ने हैं। तो देखो छात्रों आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना, छात्रों आप अपने साथ एक नोट वही रखना जिसमें आप मैंने यहाँ पर जो भी लिखा वो आप मेरे साथ साथ लिख सको। तो चलो अब हम एक साथ यह जो वाक्य है सारे पढ़ेंगे। अवंती ने शिबू की मदद की, अवंती ने शिबू की मदद की। कुत्ता बिल्ली और खरगोश मित्र थे, कुत्ता बिल्ली और खरगोश मित्र थे। कोयल कौवे से छोटी होती है, कोयल कौवे से छोटी होती है। घड़े में पानी कम था, सबके प्रति प्रेम और दया रखिए, सबके प्रति प्रेम और दया रखिए। बगीचे में बड़ी भीड़ है, बगीचे में बड़ी भीड़ है। वे साहस और बहादुरी से लड़े, उनका बचपन गरीबी में बीता, उनका बचपन गरीबी में बीता। तो छात्रों मैंने यहाँ पर सभी वाक्यों में ऐसे जो मेन जो हमें जिसके बारे में चर्चा करनी है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है सभी वाक्यों में। तो अब हम उसकी चर्चा प्राप्त उसके बारे में हम माहिती प्राप्त करते हैं। तो छात्रों यहाँ पर जो पहला वाक्य है अवंती ने शिबू की मदद की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो भी लिखूं वो आप मेरे साथ साथ तीनों जो नाम है वो किसके
देखो छात्रों, हमने यहाँ पर तीनों वाक्य में देखा कि पहला वाक्य जो है उसमें अवंती और सिंह व्यक्ति के नाम है, उसी प्रकार दूसरे वाक्य में कुत्ता, बिल्ली और खरगोश यह तीनों जो है वो पशुओं के नाम है, उसी प्रकार कोयल और कौवा यह जो दोनों है वह वाक्य में यह दोनों पक्षियों के नाम है। उसी प्रकार हम आगे के वाक्य में देखे तो घड़े में पानी कम था, तो यहाँ पर घड़ा और पानी जो है वह वस्तु या पदार्थों के नाम है। घड़ा और पानी यह दोनों जो है वस्तु है और पदार्थों के नाम है। बगीचे में बड़ी भीड़ है, तो यहाँ पर हमें किसी स्थान की बात की है, तो बगीचा जो है वह स्थान है, तो यहाँ पर हमें क्या किसकी बात बताई है, किस स्थान की बात बताई है, यानी कि स्थान का नाम है। उसी प्रकार अब हम आगे के वाक्य में देखते हैं कि वे साहस और बहादुरी से लड़े, तो यहाँ पर जो साहस है और बहादुरी यह दोनों जो है वो हमारे अंदर के गुण है, कि हमारे अंदर साहस भी है और बहादुरी भी है, तो यह दोनों जो है वो हमारे अंदर की संज्ञा
गुणों के नाम है और बचपन और गरीबी यह है अवस्था के नाम, यानी कि हमारी परिभाषा क्या होगी छात्रों कि किसी व्यक्ति पशु पक्षी वस्तु स्थान जाति गुण भाव या अवस्था को, अवस्था को हम नाम क्या दिया जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो मैं अब यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा लिखूंगी, मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोंद वाली है उसकी परिभाषा लिखते जाना और साथ ही साथ कुछ न समझ में आए तो वीडियो कुछ पढ़कर उसमें से लिखना तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। किसी व्यक्ति पशु पक्षी वस्तु स्थान जाति गुण भाव अवस्था सभी के नाम होते हैं। इन नाम को हम हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। तो छात्रों अब हम संज्ञा के कुछ प्रकार है उसके बारे में अब हम माहिती प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ पर संज्ञा के प्रकार लिखूंगी तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोंदवली में संज्ञा के प्रकार के बारे में देखो छात्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये तो है संज्ञा के प्रकार। अब हम उनके बारे में माहिती प्राप्त करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसमें हमें किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर यह जो संज्ञा है वो दिखाई गई है। इस संज्ञा में विशेष व्यक्ति देश प्राणी नदी या पहाड़ का नाम होता है, ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और यह जो सारे इनके प्रकार है उनके बारे में ज्यादा माहिती प्राप्त करते हैं।
प्राप्त करते हैं, तो मैं आपको उदाहरण के आधार पर यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपको ज्यादा माहिती प्राप्त कर सकोगे। देखो छात्रों, यह जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, स्थान, प्राणी को सूचित करती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण लिखती हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोट वही में लिखते जाना। चेतक अनोखा घोड़ा है। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेतक नाम का जो घोड़ा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपने कई सारी कहानियों में आपने चेतक घोड़े के बारे में सुना होगा। यानी कि यह जो है वो विशेष प्राणी का नाम है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, स्थान, प्राणी को सूचित करती है। जैसे कि यहाँ पर यह जो आते हैं वह व्यक्ति की विशेषता दर्शाता है, और उसी प्रकार यह जो चेतक वह एक प्राणी का नाम है, यानी कि प्राणी की विशेषता है। उसी प्रकार आपने हम देखते हैं आगे। Thank you।